अस्सलाम वालेकुम। मेरी एडोब इलस्ट्रेटर की स्क्रीन शो हो रही है सबको? आज हम अपना वही पुराना पैटर्न नहीं यूज करेंगे, हम आज कोई नए न्यू साइज चूज करेंगे अपनी आर्ट बोर्ड का। इसकी विड्थ आज हम रखेंगे 1350x1080 पिक्सल्स, जो है ये हमारा हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी पर भी पूरा आ जाता है, ठीक है। और आज हम अपने फाइल का नाम रखने वाले हैं जी टाइपोग्राफी। क्रिएट कर देंगे, सिंपली क्रिएट हो जाए। इसका साइज दिख रहा होगा, ठीक है। टाइपोग्राफी हम बेसिकली टेक्स्ट को लिखने का जो स्टाइल है उसको कहते हैं, ठीक है। टाइपोग्राफी में हम कोई भी एक टेक्स्ट टूल से एक टेक्स्ट लिख लेंगे अपने पास। जैसा मैं लिख लेता हूँ, सक्सेस, एंटर करता हूँ और लिख लेता हूँ अर्न, अर्निंग फॉर एग्जांपल। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, शिफ्ट की प्रेस करके साथ इसको मैं ड्रैग करूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इसको मैं मिड में लाना चाहता हूँ, मैं अलाइनमेंट दे दूंगा सेंटर और मिडल। अब मैं ओहो इस टेक्स्ट को अब मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ अपने ऑब्जेक्ट में। उससे पहले मैं क्या करूंगा कि शिफ्ट प्लस आल्ट की प्रेस करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, और अब मैं इसी टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा और कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट टू बैक हो जाएगा ये, यानी इसी के बैक साइड पे पेस्ट हो जाएगा। अब ये बैक साइड वाला सिलेक्ट है, ठीक है। इसको मैं शिफ्ट प्लस आल्ट की प्रेस करके छोटा करूंगा तो ये आपको दिखेगा किस तरह ये दिख रहा है ना आपको, ये छोटा हो गया। अब इसी इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से ब्लेंड, ये ब्लेंड टूल है मेरे पास, इसकी शॉर्ट की है W, ठीक है। ये ब्लेंड टूल है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ मैं ब्लेंड कर दूंगा इसको, हो जाए ब्लेंड। कंट्रोल कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस बी प्रेस किया तो ये ब्लेंड हो गया। यानी कि देखिएगा आपके पास यहाँ पर तीन शो हो रहे होंगे, एक ये बड़ा वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ इसको साइड करके। एक ये बड़ा साइज था, अब ये अनग्रुप करना पड़ेगा सिंपली। इसको ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे, ठीक है एक्सपेंड हो गया। अब ये अलग अलग हो जाएंगे, अनग्रुप करेंगे तो ये देखिए ये बड़ा वाला था और ये उसके बैक पे जो हमने पेस्ट किया था। और जब ब्लेंड किया हमने, तो ब्लेंड का मतलब ये है कि उसने उन दोनों के दरमियान की एक और लेयर क्रिएट कर दी, यानी कि इन दोनों के दरमियान में उसने एक और लेयर क्रिएट कर दी। इसी तरह हम इन लेयर्स को, इन दोनों लेयर्स को फिर डिलीट करते हैं और अब हम इस वाले टेक्स्ट को अपनी शेप के अंदर फिल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ इसको दोबारा से एडिट करता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा टेक्स्ट टूल आ जाएगा। तो मैं ये नीचे वाला जो है इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं एक और टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, आल्ट की प्रेस करके इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा, यही वाला कॉपी कर लेंगे। अब मैं इसको एडिट करूंगा और इसमें मैं कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे मैं लिख लूंगा अपना कोई भी टेक्स्ट, जैसे मैं अर्निंग लिख लेता हूँ फिलहाल, अर्निंग, ठीक है। अब मैं इन दो, या मेरे पास दो टेक्स्ट आ गए। अच्छा आप कभी भी किसी भी चीज़ पे डबल क्लिक करते हैं ना तो ये अक्सर आइसोलेशन मोड में चला जाता है, यानी इसके बाद आप कोई और चीज़ नहीं हिला सकते जिस पे आपने डबल क्लिक किया है, आप सिर्फ वो चीज़ हिला सकते हैं। तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, आप साइड पे कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो आप आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। आइसोलेशन मोड अब क्या होता है? आइसोलेशन मोड ये होता है कि आप किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस करके उसको एडिट कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया है तो ये मेरे पास आइसोलेशन मोड में आ गया, ये हमारा अब ऑब्जेक्ट जो है ये अब कोई चीज नहीं हमारी मूव हो रही, कोई टेक्स्ट नहीं हमारा सिलेक्ट हो रहा, उसका कलर भी लाइट हो गया आपको दिख रहा हो। अब मैं दोबारा डबल क्लिक करूंगा साइड पर, ओहो अपना सिलेक्शन टूल से, तो ये मेरा दोबारा आइसोलेशन मोड से बाहर आ जाएगा। अब मैं ये मेरे पास दो टेक्स्ट हो गए। अब मैं एक शेप लेकर आता हूँ अपनी एलिप्स टूल से, इसको शिफ्ट की प्रेस करके ड्रॉ करते हैं, शिफ्ट, और ये हमारा ड्रॉ हो गया।
अब मैंने इस शेप को दो पार्ट्स में काटना है क्योंकि मैंने अपने दोनों टैक्स इसमें फिल करने हैं। तो इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमारे ये स्लाइस टूल है, ठीक है, शिफ्ट प्लस के इसकी शॉर्ट की है, इधर से मैं इसको कट कर लूंगा कुछ इस तरह से। ओहो ओहो गलत है ये टूल। अच्छे ने फिलहाल हम इसको ना लाइन से ही काट लेते हैं, अपनी एक रैंडम लाइन लाएंगे, ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करके ड्रैग करेंगे। अब बी से मैं दोबारा सिलेक्शन टूल में गया, अब इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे दोनों को, और यहाँ से मैं इनको अलाइन मिडल कर दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को अगेन सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्लस एम दबाऊंगा और हमारा शेप बिल्डर टूल ओपन हो जाएगा। मैं इस पे बारी बारी सिर्फ क्लिक कर दूंगा, ये दोनों शेप्स मेरी एक्स्ट्रा अलग अलग क्रिएट हो गई। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक हमारी लाइन शो हो रही थी, इसको मैं डिलीट कर दूंगा, और एक ये वाली लाइन डिलीट करनी है हमने, ये वाली लाइन तो भी डिलीट कर दी। अब इस शेप का कलर फिलहाल ब्लैक करते हैं ताकि विजिबल हो जाए हमें, ठीक है। ये अब दो अलग अलग शेप्स हैं हमारे पास। अब इस पहले वाले टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और पहली वाली इन दोनों शेप्स को मैं अभी फिलहाल ब्लू कर लेता हूँ, टेक्स्ट से थोड़ा सा अलग कलर दे देते हैं येलो। तो मैं पहली वाली शेप सिलेक्ट करूंगा और साथ में ये टेक्स्ट शिफ्ट प्लस, इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट किया मैंने, पहले टेक्स्ट पर क्लिक किया और शेप पर शिफ्ट प्लस फिर क्लिक किया, तो ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पर इनको इन दोनों को जो है कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस सी से एक साथ लूंगा, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस सी, ये देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट था उस शेप के अंदर पूरा फिक्स हो गया, यानी उस शेप के अंदर फिट हो गया, उस शेप वाली वो जो शेप थी ना उसकी जो शेप टेक्स्ट को मिल गई है, यानी वो शेप किसका जो डिजाइन था वो कम्प्लीटली उस टेक्स्ट ने अपने ऊपर मतलब अप्लाई कर लिया। अब मैं इस सेकंड वाले टेक्स्ट को और शिफ्ट प्लस सेकंड वाली शेप को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस सी करूंगा, उसी तरह ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अभी हमारे पास एक डिजाइन तैयार हो गया जिस, ठीक है, इन दोनों को अब हम सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी से कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप कर लेंगे। अब मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ ऊपर और यहाँ से मैं एक्सपेंड कर देता हूँ इसको और ओके कर देता हूँ, ठीक है, अब ये एक्सपेंड हो चुका है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल बी यानी पेस्ट इन बैक। अब मैं शिफ्ट प्लस आल्ट की प्लस प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, ये छोटा हो गया हमारे पास, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा, पीछे वाले को भी और फ्रंट वाले बड़े बड़े टेक्स्ट को भी, ठीक है। अब मैं अगेन ब्लेंड टूल में जाने वाला हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं दे रहा मेरे पास, इसको मैं अब कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस बी दबाऊंगा और ये मेरे पास ब्लेंड हो गया। अगेन सेलेक्ट करूंगा, गेन सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल आल्ट प्लस बी, ठीक है, ये अब मेरे पास इसकी बन गई है, लेकिन क्यों नहीं कर रहा। इसको मैं अगेन एक्सपेंड करता हूँ, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ओके, अब अगेन सेलेक्ट करता हूँ और ब्लेंड टूल में जाता हूँ, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस बी करता हूँ, अगेन भी ब्लेंड हो चुका है। इसको मैं अगेन एक्सपेंड करूँगा, ऑब्जेक्ट एक्सपेंड, ओके, अगेन सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस बी करूंगा, ये देखिए मेरे पास स्टेप्स बनते जा रहे हैं। अगेन इसको सेलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, एक्सपेंड करूंगा, ओके करूंगा और अगेन सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस बी करूंगा, अगेन इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, इसका मैं जो स्ट्रोक है ना वो मैं येलो कर देता हूँ, रेड कर लेता हूँ, चलो ठीक है। अब आपको थोड़ा इसको इजीली विजिबल होगा, ये देख रहे हैं आप इसकी पूरी एक पीछे तक ना ये 3D व्यू बनता जा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा थोड़ी देर और इस तरह करूँ ना, अगर ऑब्जेक्ट एक्सपेंड ओके एंड अगेन सेलेक्ट करके दोबारा मैं ब्लेंड टूल में जाऊँ, डब्ल्यू से चला जाऊंगा डायरेक्ट बार बार कौन, कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस बी करूंगा और ये दोबारा ब्लेंड हो गया। अब मैं वी से अपने सिलेक्शन टूल में जाऊंगा, इस सारे को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, एक्सपेंड, प्रोसेस को थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो ये बन जाएगा डब्ल्यू, और कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस बी करूंगा और ये देखेंगे आप अभी ये, आपको ये समझ आया किस तरह बना है कंप्लीटली, ये पूरी एक 3D व्यू बन गया हमारा, यानी
पीछे हमने जो टैक्स छोटा किया, अगर हम पीछे वाले को बड़ा कर दें तो वो भी एक हमारे पास, आगे वाला छोटा होगा तो वो भी एक 3D हमारे पास व्यू, एक व्यू शो होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और ब्रांड करना चाहूँ और भी कर सकता हूँ, फिलहाल हम इसको इतना ही रहने देते हैं। और मैं इसका जो स्ट्रोक, इसको मैं फिलहाल कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। और जो इसका स्ट्रोक है वो मैं फिलहाल चेंज करता हूँ अभी ब्लैक पर, और जो फ्रंट है उसको मैं कर देता हूँ रेड। ये देखें, ये कितना प्यारा, इसको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसको भी छोटा करके मैं साइड पे कर लेता हूँ, और कंट्रोल प्लस 2 से मैं इसको लॉक कर दूंगा ताकि हम इसको दोबारा गलती से भी मूव ना करें, ठीक है। अब मैं अपने पास लेकर आऊंगा एक वर्टेक्स, लिखूंगा, ठीक है, और मैं इसमें लिख लेता हूँ आई एम स्टूडेंट, इसको बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस ड्रैग करेंगे क्लिक करके। और अलाइनमेंट काफ़ी लाजमी है, मैं बार बार इसलिए करता हूँ ताकि आपको अलाइनमेंट का याद रहे, अलाइनमेंट भी करनी होती है किसी भी डिज़ाइन में, ठीक है। अब जो है हम यहाँ से अपने, ये हमारे पास प्रॉपर्टीज का एक पैनल शो रहा है बिल्कुल राइट पर टॉप पर, ठीक है। यहाँ पर हम जब किसी कोई भी चीज़ सिलेक्ट नहीं होती, ये प्रॉपर्टीज हमें आर्ट बोर्ड की दिखा रहा था, ये जो बैक साइड पे हमारा आर्ट बोर्ड है जिसके ऊपर हम वर्क करते हैं। जब हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो अब ये मुझे कम्प्लीटली टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। यहाँ शुरू पे जो दिखा रहा है ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन, यहाँ पर ये मुझे इसकी पोजिशन दिखा रहा है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। कोऑर्डिनेट्स आपने पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में इसकी पोजीशन बता रहा है इस आर्ट बोर्ड पर, ठीक है। और यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब है उसकी विड्थ और एच का मतलब है उसकी हाइट। ये भी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये डब्ल्यू का मतलब है उसकी विड्थ इतनी है, ठीक है, और हाइट जो है इस टेक्स्ट की हमारे, हमने इतनी रखी हुई है। उसको यहाँ से हम इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं, अगर मैं फर्ज करें मैं इसका एंगल करता हूँ 30 डिग्री पे, ये देखिए मूव हो रहा है, इसका मैं एंगल 270, ये उल्टा हो गया, इसको मैं 0 डिग्री पर रख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका फिल आ जाता है, यानी इसका हम कलर क्या रखना चाहते हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक से भी खुल रहा है। इस पर हम यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर दे सकते हैं, अगर हमने न्यू कलर बनाना है वो भी कर सकते हैं, यहाँ से हम कोई भी रेंडमली चूज कर लेते हैं, ठीक है। और फिलहाल मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है, ये अपने गौर से देखना है। स्ट्रोक में भी हमारे पास कलर्स हैं, लेकिन हम स्ट्रोक का कलर भी रखते हैं रेड रख लेते हैं, और स्ट्रोक को यहाँ से इंक्रीज कर लेते हैं, यानी ये देखिए ये हमारा स्ट्रोक हो गया। अब इस स्ट्रोक पे भी मैं क्लिक करता हूँ अगर, तो मेरे पास स्ट्रोक में भी आगे फर्दर ऑप्शन हैं। ये कैप्स कह रहा है, ये जो इनके किनारे हैं स्ट्रोक्स के वो चेंज हो जाएंगे, ये देखिएगा, इससे वो राउंड हो जाएंगे, इससे बिल्कुल स्क्वेयर हो जाएंगे, और इससे स्ट्रोक जो है अपने जो एंड एंड पॉइंट है एज पॉइंट उससे थोड़ा सा पीछे रहेगा। ये काफ़ी सारे इसमें ऑप्शन, इधर डैश लाइन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, इधर से मैं एक शेप ले लेता हूँ। ये स्ट्रोक पे फर्दर हम बाद में अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अभी मैं टेक्स्ट आज पढ़ाना है। तो इधर से हम उसकी ओपेसिटी भी सेट कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि इसकी ऊपर थोड़ा सा ये कम विजिबल हो, ये देख इसकी ओपेसिटी यानी ट्रांसपेरेंसी इसकी इंक्रीज हो गई है, ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपेसिटी में इसके ब्लेंडिंग मोड्स भी हैं, आइसोलेट ब्लेंडिंग, यानी आइसोलेट ब्लेंडिंग यानी इसको कोई मतलब ये ब्लेंड ना हो सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका आ जाता है फॉन्ट, फॉन्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। फॉन्ट्स भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं हमारे पास, हम जब भी कोई प्रोफेशनल कोई भी चीज़ पोस्टर लोगो कोई भी डिज़ाइन तैयार करते हैं उसमें हम फॉन्ट जो है, एक फॉन्ट होता है कॉमिक सैंस, ठीक है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसको कभी भी यूज़ नहीं करना, वो कॉमिक्स में यूज़ होता है, ठीक है, मैक्सिमम कॉमिक्स में यूज़ होता है। अब ये इस तरह का फॉन्ट भी हम नहीं यूज़ कर सकते हैं हम प्रोफेशनल में, प्रोफेशनली डिज़ाइन प्रोफेशनल डिज़ाइन में। फिलहाल मैं इसका स्ट्रोक जो है ख़त्म कर देता हूँ, अब मैं इसका फॉन्ट कोई अच्छा सा सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ज्योमेट्रिक स्वेस, ये मेरे पास काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं, आपके पास शायद ना शो हो रहे हैं, आपके पास जो फॉन्ट शो हो रहे हैं वो उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं, जैसे अगर आपके पास शो हो रहा होगा आई थिंक एरियल, एरियल एरियल ये देखें, ये बहुत अच्छा फॉन्ट है, इसमें आगे फर्दर ऑप्शंस हैं, एरियल एरियल इटैलिक, ये फॉन्ट के स्टाइल्स हैं,
इटैलिक है, बोल्ड है, बोल्ड इटैलिक भी है, उसके बाद ब्लैक, ब्लैक जो होता है वो बोल्ड से भी ज्यादा बोल्ड होता है, ठीक है। उसके बाद राउंडेड है, यानी इसके एजेस जो होते हैं फॉन्ट के वो राउंड होते हैं। उसके बाद स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में ये थोड़ा सा कैलीग्राफी टाइप हो जाता है, ज्वाइनिंग टाइप। उसके बाद हमारे पास प्रो अल्टरनेट लाइट है, ये अब इसकी डिफरेंट फॉन्ट्स की ना डिफरेंट आपको स्टाइल्स मिलेंगे, वो फॉन्ट डिजाइन करने वाले पे डिपेंड करना है कि उसने फॉन्ट्स के डिजाइन के स्टाइल्स के नाम क्या रखे हुए हैं और उनको किस तरह डिजाइन किया हुआ है। उसके बाद ये हमें प्रो अल्टरनेट बोर्ड देख दिख रहा है, ये उस फॉन्ट डिजाइनर ने इसका नाम रखा हुआ है, प्रो अल्टरनेट, ठीक है। अरिस्टा प्रो ट्रायल लाइट, ये लाइट जितने भी होंगे बारीक बारीक होंगे, बोर्ड में मोटे मोटे फॉन्ट होते हैं, और फ्लैट, यूनिकोड, एमएस रेगुलर, इसी तरह आपके पास इटैलिक, ये देखिए कितना, ये कंडेंस्ड है, कंडेंस्ड एक कंडेंस्ड भी फॉन्ट होता है, ये साइड से कंप्रेस हुआ होता है। और उसके बाद एक और होता है, मैं दिखा ये वाला, अभी हम इस फिलहाल चूज कर रहे हैं, ठीक है। अपने मैं सिलेक्शन टूल में जाऊंगा और यहाँ पर भी हमें एक अलाइनमेंट टाइप दिखा है, इधर से मैं इसको अलाइन कर लूंगा, ठीक है। अब इस फॉन्ट को किस तरह प्लेस करना है और कितने साइज में प्लेस करना है वो सारी कहलाती है टाइपोग्राफी, और कौन सा कलर चूज करना है हमने इसका। अब हम एक डिजाइन तैयार करते हैं, टाइपोग्राफी में हम शेप पूरी एक बनाते होते हैं टेक्स्ट को यूज करके, सिर्फ टेक्स्ट, नो कलर, नो फिल, ओनली टेक्स्ट। इधर मैं आई एम स्टूडेंट को छोटा कर देता हूँ और मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके कंट्रोल ए से सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं कोई कोटेशन लिख देता हूँ, डिजाइन कैपिटल में लिख लेते हैं सारा, डिजाइन आर द फीलिंग एंड इमोशंस ऑफ अ पर्सन, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, शिफ्ट प्लस आल्ट प्लस, ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट को अब मैं कन्वर्ट करने लगाऊँ शेप में, गौर से देखना है, इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने लगाऊँ शेप में, इसको सिलेक्ट किया मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में गया और मैंने एक्सपेंड पे क्लिक कर दिया, और ये मुझे कह रहा है आपने इसको ऑब्जेक्ट बनाना है, जी बनाना है, फिल करना है, करना है फिल, ओके कर देंगे। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब ये टेक्स्ट नहीं रहा, अब ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, ना हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और ना कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल इसकी प्रॉपर्टीज जो है शेप्स वाली हो गई हैं, जो शेप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वही इसकी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। इसको हम अगर देखें तो ये हमें कह रहा है अनग्रुप, यानी ये अलग अलग टेक्स्ट का, यानी एक एक अल्फाबेट का ग्रुप है, अनग्रुप करेंगे तो ये देखें एक एक अल्फाबेट मूव हो रहा है। अब हमारा कंट्रोल जी खत्म है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक एक वर्ड को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप करने वाला हूँ, यानी हर वर्ड को अलग अलग ग्रुप कर रहा हूँ। इसको भी ग्रुप कर लिया मैंने, इसको भी कंट्रोल जी, कंट्रोल प्लस जी, एक और वर्ड सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस जी, कंट्रोल जी, ऑफ को सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस जी, ए तो सिंगल ही है, अब पर्सन को सेलेक्ट किया कंट्रोल प्लस जी, ठीक है। ये अब अलग अलग वर्ड्स के मेरे अलग अलग वर्ड्स, पूरे एक सेंटेंस में से हमने सारे वर्ड्स अलग कर लिए, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा हायरार्की क्या होती है, हायरार्की क्या, हायरार्की में का वर्ड अक्सर हम यूज करते हैं, हायरार्की में होता है कि कोई भी एक अपर क्लास है और उसकी सब क्लासेस होती हैं आगे, ठीक है। सब क्लासेस जो होती हैं वो हमेशा अपर क्लास से थोड़ी सी लाइट होती हैं, लाइट वेटेड, जैसे कि अब अगर हमारा हमारी जो हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है और बोल्ड भी होती है, ठीक है। ये देखें आप, ये अगर हमारी हेडिंग है और नीचे उसका उसकी डिस्क्रिप्शन है तो वो छोटी होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हायरार्की कहलाती है। और जो हमारी हेडिंग होती है वो बोल्ड भी होती है हमारे नीचे वाले डिस्क्रिप्शन के उसके स्टाइल के मुताबिक। अगर हमारी हेडिंग हेडिंग जो है वो हमने रेगुलर फॉन्ट में रखी है, यानी बोल्ड नहीं की, नॉर्मल फॉन्ट है, तो नीचे जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसका लाइट वेटेड होना जरूरी है, यानी उसका फॉन्ट जो है, फॉन्ट स्टाइल जो है वो हमारा लाइट होगा, ठीक है। अब मैं कंट्रोल जी, इनके साइजेस सेम है। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मेरे इस सेंटेंस में जो वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स यानी मेन वर्ड्स हैं उनको मैं बड़ा करने वाला हूँ, और जो वर्ड्स जैसे कि दी, ऑफ, ए, एंड, आर, इनको मैं छोटा करने वाला हूँ। तो ये अभी आप देखेंगे, हमने स्टार्ट किया था दी से, द, इसके
बिल्कुल बराबर लेंगे, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और अलाइनमेंट लाजमी है तो हम अलाइन कर लेंगे। अब मैं नीचे वाले को शिफ्ट प्लस की लेफ्ट की माउस से, माउस की लेफ्ट की से बड़ा कर लूंगा। द डिजाइन इधर एंड की, एंड को मैं अगर रोटेट करके ऐड कर लूं तो शिफ्ट प्लस रोटेट करेंगे बिल्कुल इसके कॉर्नर पे लेके जाएंगे, हमारे पास एक कर्व सी शो होगी, तो इसको इससे हम रोटेट कर सकते हैं इस अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसको मैं बिल्कुल इस डिजाइन के विड्थ जितना कर दूंगा, एंड द डिजाइन एंड। अब यहाँ पर मैं फीलिंग्स ले आता हूँ, फीलिंग का वर्ड, और इसको भी इसके जितना कर लेते हैं, द डिजाइन एंड फीलिंग्स। अब हमारा अगला वर्ड क्या है, आर। द डिजाइन एंड फीलिंग्स आर यहाँ इमोशंस रख लेते हैं, इन दोनों को अपर अलाइन कर देता हूँ मैं, इधर से कर लेते हैं इमोशन, इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ थोड़ा सा। ऑफ यहाँ पे रख लेता हूँ, ऑफ अ पर्सन, ऑफ अ, इसको यहाँ पे रख लेते हैं, ऑफ अ पर्सन। ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको किसी जिस तरह भी तरतीब दे के डिजाइन कर ले। ये देखें हम, ये एक हमारा न्यूज लेटर टाइप का बन गया। न्यूज पेपर में आपने अक्सर देखा होगा कुछ वर्ड्स काफी बड़े लिखे होते हैं, वो बड़े इस वजह से लिखे होते हैं ताकि पहली नजर उन्हीं वर्ड्स पे हमारी पड़े। तो ये अब जब भी हम इसको रीड करेंगे, द डिजाइन एंड फीलिंग्स आर इमोशन ऑफ अ पर्सन, तो यहाँ पर हमें पहली पता चल जाएगा डिजाइन, फीलिंग्स, इमोशन और पर्सन, ये चार वर्ड्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस सेंटेंस के। ठीक है, कोई इसमें इशू तो नहीं है आप लोगों को, ये करना आ गया आपको? ठीक है, इस सारे को मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल प्लस जी से ग्रुप कर दूंगा। अब ये मैं इसको भी साइड पर करके स्मॉल कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, अच्छा अब कुछ फॉन्ट्स जो होते हैं, मैं यहाँ पर कोई एक लाइन लिख लेता हूँ रैंडमली कुछ भी, और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, पता नहीं क्या लिखा है मैंने। ठीक है, इसको अब फॉन्ट की जो कुछ टाइप्स होती हैं उसमें सेरिफ आते हैं। ठीक है, सेरिफ फॉन्ट्स वो होते हैं जिनके जिनके यहाँ पर फॉन्ट के हेड और फुट दोनों में हमारे पास एक लाइन शो होती है हमें छोटी सी, ये सेरिफ फॉन्ट होते हैं। इस लाइन को हम असल में सेरिफ कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको एक्स्ट्रा फॉन्ट के साथ एक डिजाइन शो होता है ना, छोटी सी लाइन हर आई के साथ ही ऊपर कैप सी बनी है, ए के साथ नीचे, ए ने भी शूज पहने हुए हैं, ठीक है, ऐसे लग रहा है, ये सारे सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं। इन फॉन्ट्स, सेरिफ फॉन्ट्स जो है ये हम अक्सर यूज करते हैं वहाँ न्यूज़पेपर वगैरह में, जहाँ पर हमने अपना कोई बड़ा सारा पैराग्राफ लिखना होता है और कोई बड़ी सारी डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है जिसको रीड करने में आसानी होती है। ठीक है, और अगर मैं इसका फॉन्ट रखता हूँ, सैंस सर्च करते हैं, सैंस, ठीक है, सैंस सेरिफ के होते हैं, ये वो फॉन्ट होते हैं जिनमें सेरिफ नहीं होता है, यानी कि ये फॉन्ट्स बगैर शूज या बगैर कैप के होते हैं। ठीक है, सिंपल जैसे आप समझ लें, ठीक है, इन फॉन्ट्स में कोई भी सेरिफ नहीं होता, ये सिंपल फॉन्ट्स होते हैं, सीधा सीधा ये देखें जैसे आई है तो सीधा बस आई, एक सिंपल एक लाइन ड्रॉ हुई है, डी है तो सिंपली एक डी, एफ एफ सिंपल बना हुआ है, एस में भी कोई यहाँ पर कॉर्नर पर कोई एज नहीं बना हुआ। ठीक है, ये हमारे पास सैंस फॉन्ट आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक फॉन्ट्स आते हैं, कुछ जियोमेट्रिक, मैट्रिक, ये होते, ये भी उसी तरह है सैंस सेरिफ की तरह, लेकिन क्या है कि इसमें कंप्लीटली एंगल्स बने होते हैं, जैसे अब ये आप ए देख रहे हैं तो ए में ट्राइंगल बना हुआ है, आई में रेक्टेंगल है, आई एक टाइप का, ये डी जो है हाफ रेक्टेंगल और साथ में एक सर्कल, और ये एफ भी रेक्टेंगल से मिलके बना हुआ है, एच सिंपल, और क्यू पूरा सर्कल है और नीचे एक छोटी सी रेक्टेंगल है कर्व करके, और डब्ल्यू भी दो ट्राइंगल्स में बना हुआ है, मतलब ये ज्योमेट्रिक फॉन्ट्स इस तरह के होते हैं। इनमें सारी शेप्स जो है ना हमारे पास सिंपल नहीं होती, के भी बिल्कुल, ठीक है, और इन इनमें एक बात है कि हर वर्ड का जो साइज है ना वो बिल्कुल एक जैसा है, यानी कुछ फॉन्ट्स होते हैं उसमें हर
हमारा जैसे आप देखेंगे ये इसमें कोई वर्ड जो है जिसकी इसकी विड्थ ज्यादा है किसी की विड्थ कम है, लेकिन ज्योमेट्रिक सेंस में विड्थ भी एक जैसी होती है सारे टेक्स्ट की, ठीक है, हर टेक्स्ट की, हर अल्फाबेट की। फॉन्ट्स भी हमारे हो गए, अब हम टाइपोग्राफी जाएंगे। ये हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, आपने इसको एक्सपेंड किया था, ठीक है, टेक्स्ट को। अगर मैं यहाँ टेक्स्ट लिखता हूँ क्विक ब्राउन फॉक्स जा, अच्छा फिलहाल इतने लिख लेते हैं, और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। इसको मैं अगर राइट क्लिक करूं और मैं यहाँ पर, हमने इसको पहले एक्सपेंड करके अपनी शेप में कन्वर्ट किया था, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूं और ये आप देखते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ दिखा रहा है हमें, कह रहा है क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइंस में मैं क्लिक करता हूं तो ये सेम उसी तरह मुझे अब हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा शेप में। अब मैं इसको अनग्रुप कर देता हूँ, ठीक है, और उसी तरह ये हमारा एक एक वर्ड अलग हो गया है, सेम वही काम हुआ है, बस मेथड दो है, ठीक है, मेथड अलग है लेकिन काम हमारा वही हुआ है जो हमने इसमें किया है। इसको मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, किसी को लास्ट लेक्चर में पेन टूल में कोई इश्यू तो नहीं आ रहा? पेन टूल सही चल रहा है, सबका यूज करना आ गया है? मुझे चैट में बताएंगे। सही, आपने प्रैक्टिस की है उसकी पेन टूल की? कोई डिजाइन तैयार किया है आपने? कोई भी रैंडमली इंटरनेट से पिक्चर लेनी है और उसके ऊपर पेन टूल को यूज करके ट्रेसिंग करनी है, और उसकी असाइनमेंट भी आपने फेसबुक ग्रुप में सबमिट करनी है, ठीक है, लाजमी। आपकी पिछली असाइनमेंट्स में मेरे ख्याल से एक या दो स्टूडेंट्स ने सबमिट की है, बाकी भी जल्दी सबमिट कर दें। अच्छा, ये आज हमने क्या सीखा है? हमने अब ये देखिए मेरा अनलॉक है, एक तो मैंने आपको बताया था कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टू करेंगे हम, इससे क्या होगा हमारी हर चीज जो जो लॉक होगी वो अनलॉक हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कंट्रोल टू से लॉक करता हूँ, और अगर मैं इसको अनलॉक कर सिर्फ एक चीज को अनलॉक करना चाहता हूँ, यानी मैं इसको भी अगर मैं लॉक कर देता हूँ, मैं इन दोनों में से सिर्फ एक अनलॉक करना चाहता हूँ, जैसे अगर ये, तो मैं राइट क्लिक करूंगा सिंपली, इस पे अनलॉक का ऑप्शन आ रहा है और ये मुझे कह रहा है कि आपका ग्रुप है जी यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको भी इसी तरह अनलॉक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज के लेक्चर में आपका कोई क्वेश्चन है? आई थिंक एंड हैव चैट, जिस दोनों चीजें समझ आ गई आपको किस तरह बनी है? इसको हमने ब्लेंड टूल यूज करके ब्लेंड किया है, और इसमें हमने इसको एक्सपेंड करके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, और फिर हमने अपने टेक्स्ट को एक ऐसी अलाइनमेंट, एक ऐसी तरतीब दे दी है जिससे कि हमारा टेक्स्ट थोड़ा एक डिजाइन लग रहा है, ब्यूटीफुल सा विजिबल सा एक चीज लग रही, जैसे आप अक्सर न्यूज़पेपर्स में भी देखते हैं कि कुछ टेक्स्ट बड़े लिखे होते हैं, तो उनके मतलब ये होता है कि हम वो टेक्स्ट वाजे करना चाहते हैं, हम इन टेक्स्ट को, हम अपने इन वर्ड्स को वैल्यू दे रहे होते हैं, ये जो हमने वर्ड्स बड़े लिखे हैं इन वर्ड्स को हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं असल में यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आज के लेक्चर में यही था बस, कंप्लीट टाइपोग्राफी में आपके पास, और शॉर्ट कीज आपको मैं बता दूंगा, शॉर्ट कीज जो है इलस्ट्रेटर में काफी सारी, वो आपको मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है, आज या कल में मैं आपको सारी शॉर्ट कीज सेंड कर दूंगा, ठीक है, और तो आज कुछ नहीं रह गया, आप बस आप लोग लीव कर सकते हैं, क्लास एंडेड।